और हरी हरे कृष्णा आप सबका हम गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन गिव की ओर से इस क्वेश्चन आंसर सेशन में स्वागत करते हैं। भगवान श्री श्री राधा कृष्ण श्री श्री गौर निताई श्री प्रभुपाद एवं समस्त वैष्णव भक्तवृंद के चरण कमलों में प्रार्थना करें कि हम सब इससे पूर्ण लाभ उठा सकें और अपने जीवन में अज्ञानता को दूर करके ज्ञान का प्रकाश ला सकें, जिससे कि हम श्री श्री राधा कृष्ण श्री श्री गौर निताई की अनन्य शुद्ध प्रेममयी भक्ति कर सकें। तो आज का प्रथम प्रश्न है, प्रथम प्रश्न राधिका शरण जी का है वृंदावन से। उनका प्रश्न है, भगवत में लिखा है कि आकाश अग्नि जल वायु पृथ्वी दिशाएं नक्षत्र प्राणी ये सब हरि के शरीर है। रामायण में भी कहा गया है कि जगत सर्वम शरीरंते, ये जगत हरि का शरीर है। अर्जुन भी गीता में कहते हैं कि हे प्रभु आप भी वायु अग्नि पृथ्वी हो, तो क्या हरि और हरि का शरीर रूपी जगत अभिन्न है? अगर जगत और हरि में भेद है तो भक्त सब जगह हरि को क्यों देखते हैं? उनके लिए जगत कृष्णमय हो जाता है। इसका उत्तर सिर्फ गौड़े वैष्णव संप्रदाय में स्पष्ट रूप में मिलता है कि भेद है भी और नहीं भी। भगवान भी इसी बात को भगवद गीता में दोहराते हैं कि मैं हर जगह हूं और नहीं भी हूं। तो भगवान का 11वें अध्याय में भगवद गीता के ये दिखाया है उन्होंने कि ये सारा जगत उनमें है। उनका जो क्योंकि वो पूर्ण है इसलिए उनका भौतिक एक भौतिक शरीर भी है, जो कि ये भौतिक जगत के समस्त तत्व देवी देवता सब कुछ उसमें सम्मिलित है। तो इसी तरीके से परंतु भगवान वैकुंठ में भी विराजमान है। तो ये बात थोड़ी सी हायर लेवल की है, आपसे अनुरोध है पहले थोड़ा भगवद गीता को सही तरह समझ लें। इसमें भगवान ने स्पष्ट रूप में बताया है कि मैं सब कुछ हूँ और फिर भी नहीं हूँ। इसको समझने के लिए थोड़ा समय चाहिए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि थोड़ा भगवद गीता को और डीपली स्टडी करें तो ये आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद। इनका एक प्रश्न और है, प्रहलाद के आगे सांप डाले गए तो सांपों को भगवान समझ लिया तो सांप चले गए, उसी तरह क्या जगत के संपूर्ण पदार्थों प्राणियों में भगवान रखकर व्यवहार किया जा सकता है? जैसे कोई मिलने आए तो उस रूप में प्रभु ही आए हैं, ऐसा सोचकर क्या भगवत भाव किया जा सकता है? नहीं, मैंने तो ऐसा कहीं नहीं पढ़ा। ये आपने पता नहीं कहां से पढ़ा है कि प्रहलाद महाराज ने सांप को भगवान समझ लिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये उन्होंने प्रहलाद महाराज ने सब जीवों के अंदर भगवान को देखा है, क्योंकि कहा जाता है कि आत्मा भी है और भगवान भी परमात्मा भी साथ में विराजमान है और अल्टीमेटली भगवान की इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता। उसका मतलब ये सांप भी जो आए हैं ये अगर काटेंगे तो भगवान उसकी भगवान की सेंक्शन है, अगर नहीं काटेंगे तो उसमें भगवान की सेंक्शन है। तो भक्त जो है वो दोनों चीजों में तैयार रहता है, चाहे काटें सांप काटते तो भी प्रहलाद महाराज बोलते भगवान ने सेंक्शन किया नो प्रॉब्लम, उन्होंने छोड़ दिया तो नो प्रॉब्लम। ये भाव होता है। तो उसका मतलब यह है कि जब वो सारे जगत को देखता है तो उसको यही देखता है कि सारा कुछ भगवान का है। जैसे आप अपने बच्चे से प्रेम करते हैं और बच्चा छोटा बच्चा है और अपनी नानी के घर चला गया है दादी के दादा के घर चला गया तो उसकी जूता नजर आता है छोटा सा तो भी आप एकदम जूता देखते हैं आपको किसकी याद आती है? बच्चे की याद आती है, क्योंकि आप बच्चे से प्रेम करते हैं। तो इसी तरीके से जब हम जगत को देखते हैं तो हमें इमीडिएटली भगवान की याद आती है, क्योंकि हम जानते हैं सब कुछ भगवान का है। ये भाव इस तरीके से। धन्यवाद। अगला प्रश्न गायत्री जी का है दिल्ली द्वारका से। हरे कृष्ण गुरु जी सादर प्रणाम, आपकी वजह से मैं कृष्ण भक्ति में आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कृष्ण भक्ति के लिए दीक्षा जरूरी है? क्या बिना दीक्षा के हमारी भक्ति स्वीकार नहीं होगी? और गीता में कहीं दीक्षा का जिक्र नहीं है, कृपया मार्गदर्शन करें। और जो 16 माला का जब आपने बताया वो एक ही समय करना है या फिर सुबह शाम बांट के कर सकते हैं?
मैं अभी चार माला सुबह और चार माला शाम को बहुत ध्यान पूर्वक करती हूँ, क्या ये सही है या एक ही समय में करना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। हरे कृष्ण। आपका पहला प्रश्न का उत्तर यह है कि हाँ, दीक्षा अनिवार्य है। भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया है, 64 अंग बताए गए हैं भक्ति के, उनमें से शुरू के जो 10 अंग हैं वो बहुत सबसे महत्वपूर्ण हैं, उसके बाद 4 अंग, उससे पहले जो 4 पहले दूसरा तीसरा चौथा अंग है, तो पहले में आया कि कृष्ण की हम गुरु पद आश्रय लेते हैं, दूसरा में उससे उनसे दीक्षा लेते हैं। तो ऐसी प्रणाली है भक्ति में, कैसे आप बढ़ते हैं, तो उसमें साधु संग के बाद श्रद्धा, साधु संग, फिर उसका भजन क्रिया आती है। भजन क्रिया का अर्थ होता है कि आपने गुरु से दीक्षा ली। तो भगवद गीता के अंदर भी तद विधि प्रणिपातेना परिप्रश्नेना सेवया उपदक्षिणतेते ज्ञानम ज्ञानेनस्तत्वदर्शिना। दीक्षा शब्द का मतलब है कि दीक्षा, दी का मतलब है दिव्य ज्ञान, दिव्य ज्ञान लेना जिससे कि हमारे पापों का क्षय हो जाए। तो जो दिव्य ज्ञान है, तो भगवान ने गीता के 4th अध्याय के 34वें श्लोक में बताया है कि तुम गुरु के पास जाकर ये ज्ञान लो, दिव्य ज्ञान। तो ये दिव्य ज्ञान लेने की प्रक्रिया, इसी को दीक्षा कहते हैं, जहां आप औपचारिक रूप से एक स्टूडेंट बनते हैं। तो इसलिए दीक्षा लेना अनिवार्य है। दूसरी चीज आपने जो प्रश्न किया, हाँ, एक साथ आप, जरूरी नहीं है कि एक साथ करें, आप तोड़ के भी 16 माला जप सकते हैं, यही है ना प्रभु जी? हाँ जी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको एक ही साथ करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रश्न करने के लिए, प्रणाम। अगला प्रश्न अक्षय जी का है, नई दिल्ली से। हरे कृष्णा, दंडोत प्रणाम प्रभु जी। इन ISKCON वी सी दैट ऑल एक्टिविटीज आर कंडक्टेड कीपिंग श्रीला प्रभुपाद इन सेंटर। इन द लेक्चर्स ऑल्सो श्रीला प्रभुपाद इज रेपिटेटिवली मेंशन्ड, सो एवरीवन इज फॉलोइंग श्रीला प्रभुपाद। सो क्वेश्चन इज, हाउ डज इट मैटर इफ इनिशिएटिंग गुरु इज प्रभुपाद और हिज डिसाइपल? After all, we are just following Prabhupada as his disciples are following. Please help to understand. Akshay ji, it is very simple that Prabhupada stated that everyone will be initiated by me. So, first of all, you may be a disciple but not obeying the Guru. So, here very clear, it is very clear in the Bhakti Rasamrita Sindhu, in the Nectar of Devotion, that one has to take Diksha. Now, whom you are taking Diksha from decides that are you connected to the parampara or not. So Prabhupada very clearly stated that he will be the initiating spiritual master. So the present scenario is that Prabhupada is not the Diksha Guru, others are. Whereas Prabhupada did not authorize anyone to become Diksha Guru. Rest you can keep following, like a person can be working in a student, he may basically talk to the dean of IIT and, or he can talk to the student of the who is studying in the IIT and tell him, or the professor in the IIT and give him some money and say that teach me everything which is taught in the IIT. But is he considered after 4 years as an IITian? No, he is not. So the basic fact is this, that you will have to be formally connected with the parampara. That is very, very important. And that parampara connection is Srila Prabhupada, no one else. Rest, we don't deny that there should be a living spiritual master in the form of Shiksha Guru, which Prabhupada has stated very clearly. So this is what Prabhupada wanted. So the first step when it is wrong, for example, you take when you want to go to Amritsar, the road going to Amritsar is also, the path going to Amritsar is also called a road, and the path going in the opposite direction going to Bombay is also a road. In both the cases, you're driving on the road, but you're not, in one case, you're going towards the goal destination, in the other case, you're going away from the destination. But in both the cases, you're driving the car on the road, you're observing all the rules and regulations. But that is not taking you towards the goal if you're driving towards Bombay. In the same way, you may be doing everything. But the basic fact is this, that you're not agreeing to what Prabhupada wanted. That is why the basic foundation is wrong. So now that is, you are intelligent enough to understand that what importance is there for the spiritual master in one's life. Thank you very much. Inka agla prashna continuation mein, Hare Krishna downwards. Today, Bhakti Charu Swami posted below in Facebook what Prabhupada really said, now that you have become a sannyasi, you can initiate. Page 184, question of mercy. Now maybe Bhakti Charu Swami had personal talks with Prabhupada. Prabhuji, please throw more light on this. I am sorry, Akshay ji, I will not be able to talk personally because I have met personally Bhakti Charu Maharaj, and he totally believes that the Ritvik system is the right system. That's what he told me. Now if he keeps changing his stance, that is not my problem, that is his problem. But I personal conversations do not matter, because what he has stated in the will,
In the will, he has stated very clearly that only my initial disciples will be the members of the GBC or the board of directors who will conduct the activities of ISKCON. So I would give more importance to the basic will, which he wanted to be implemented by the people who are his followers, in which he has very clearly stated that only my initiated disciple. He says very, very clearly. So this one has to be taken into consideration. I do not know what personal conversation. There were hundreds of conversations that Prabhupada had on personal level. And for what reason he had, for what he was replying, I'm not bothered about that. I'm bothered about the fact that in the will, he very clearly states this, that his only his initial disciples, and in his conversation, he states very clearly, which is a recorded conversation and basically in the Veda base also, that only when he authorizes someone to become Diksha Guru will he be a regular Guru. He did not authorize anyone. So I'm sorry. Whatever they say, that is their problems. And they will have to reply after death of misleading people. That is their problem, not my problem. That is your problem. You have to see into it. You have to look into what is the right thing and what is wrong. They are all doing service. I've got no problems in that. But are they the service is the second part. The first part is basically, are you obeying your spiritual master? If you are not obeying your spiritual master, then all service is useless. Thank you very much. Hare Guru. अगला प्रश्न जयदीप गधावी जी का है. पहली बार प्रश्न कर रहे हैं ये. हरे कृष्णा गुरुजी, if no one follows or support you, wife, children, parents, for a Krishna consciousness at home, can we alone selfishly follow it? Yes, the Shastras say that you have to. If no one, everyone in the house wants to commit suicide, would you also commit suicide or not commit suicide? You will not commit suicide. So in the same way, basically you have to practice Krishna consciousness if others don't practice it. That is not selfishness. You try to bring them in the fold, but in trying, don't get drowned yourself. You try to save people, but in that case, you don't drown yourself. Understand this. You have to be afloat. You cannot drown and save other people. So this is no selfishness. Shastra said that you should understand the self and then work for the self and the self of others. That is the soul, the Atma. So it is not selfish following. Try changing others. If they don't change, then you keep going on to Krishna consciousness, because you have to leave your body separately and they have to leave their body separately. This is very important to understand. We don't go together. We may die together in the same place, but we may travel differently according to our karmas. So become Krishna conscious in any case. That is very, very important. And that is stated in the Shastra, Swarth Gatim Hij Vishnu. Become swarthy, become swellish, selfish. But the goal of selfishness is Vishnu. It is not this body. When your selfishness is related with the body, then this is third class. When it is related with the soul, it is first class. Remember this. Thank you very much for asking this question. अगला प्रश्न आदित्य मनोरी जी का है. हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम. प्लीज आंसर माय टू क्वेश्चंस. फर्स्ट, इफ समथिंग बैड हैपेंस इन आवर लाइफ लाइक द्रौपदी डिसरोबिंग इंसिडेंट हैपेंड विद, विल कृष्णा हेल्प अस लाइक ही हेल्प द्रौपदी, और वी शुड कंसीडर सच इंसिडेंट एज आवर डेस्टिनी एंड जस्ट डू डिवोशनल सर्विस. सेकंड, प्रहलाद महाराज, अमरीश महाराज एटसेट्रा आर ऑल द स्टॉन्च डिवोटीज आर जीव तत्वास. If yes, then can I also become Prahlad or Amrish or Naradani, etc., and take part in Lord's divine pastimes? Thank you. See, your first question is this, that if something bad happens in our life. Now, this bad is a very, very relative term. It's very relative. If you can't do anything about it, accept it as destiny. But the basic fact is this, something bad happens. Is that bad mentally or is it physically? Because sometimes what happens is that you go through bad patches in life. But if you are mentally strong, you are Krishna conscious, by which you become mentally strong. Then those things don't affect you. And if they don't affect you, then if these things are, they don't matter. So if you are a devotee like Draupadi, who's 100% only thinking of Krishna, then surely Krishna would help you. Why not? The only problem is this, we are stopping Krishna from helping us. It is not Krishna who doesn't want to help us. Krishna wants to help us, but we basically keep Krishna away from our life. So you have to surrender 100%. And then you see he'll help you every time. And he's helping devotees who are not fully surrendered also, he's helping them. Worst had to happen, it became bad.
So this is how it goes. Then when good happens, then also you should think that I should not be getting this good thing happening in my life. But if it is still happening, something happened, good happened, think that, oh my God, I should have got the worst, but Krishna's mercy, I got this good. So that is how you basically lead your life in Krishna consciousness. The other thing is Prahlad Maharaj, Amrish Maharaj are all staunch devotees. So you have to also become a staunch devotee. So if you become a staunch devotee of Krishna, then yes, surely when you basically, you can participate in the divine pastimes. Yes, we are made for that only. And that is what the Bhagavatam Bhagavad Gita says, that you have to go back home, back to Godhead and participate in the divine leelas of the Supreme Personality of Godhead. So all Jeevatmas are basic, ultimate goal has to be this only. And so we should try to attain that goal, which is the real goal of every living entity. Thank you very much for asking these questions. Dhanvat pranams to you. Hare Krishna. Next question, Sanidhya Upadhyay ji ka hai. Prabhu ji, main ek Brahman parivar mein paida hua, lekin sirf caste ke mere yahan logon ki mentality shudro wali hai. Sab job chahte hain, Ram ji se koi lena dena nahi hai. अपने आप को सब ब्राह्मण बोलते हैं, यदि मैं वैष्णव हूं और अपनी लाइफ का सेंटर पॉइंट राम जी को बनाता हूं, जैसा कि आपने 16 आवर्स की डिग्री में बताया है, तो क्या मैं खुद को ब्राह्मण बोल सकता हूं? नहीं, देखिए जी, सानिध्य जी, ब्राह्मण एक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये जो वर्ण है, ये है कि आप किस तरीके से अपना जीवोपार्जन करते हैं, अपने शरीर का कैसे आप किस तरीके से पालन करते हैं। ब्राह्मण वो है जो बेसिकली शास्त्रों का अध्ययन करता है, पढ़ता है, पढ़ाता है, यज्ञ करता है, यज्ञ कराता है, दान लेता है, दान देता है। इसी तरीके से वो जो ब्राह्मण जो है वो ये छह कार्य करता है। तो अगर आप ये छह कार्य कर रहे हैं तो आप वैष्णव इन चारों से ऊंचा है, परंतु वो अपना जीवोपार्जन कैसे कर रहा है, ब्राह्मण के रूप में, क्षत्रिय के रूप में, वैश्य के रूप में या शूद्र के रूप में। आप किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हैं तो शूद्र हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, वो तो आपका वर्ण है, आपने उसके तरीके से क्योंकि आपकी मेंटेलिटी वैसी है, इसलिए आप उस तरीके से अपना जीवोपार्जन कर रहे हैं। आप बिजनेस कर रहे हैं तो भी जीवोपार्जन कर रहे हैं, आप क्षत्रिय हैं तो आर्मी में है, पुलिस में है या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में है, तो बेसिकली आप क्षत्रिय टाइप के व्यक्ति हैं। इसी तरीके से आप ब्राह्मण का कार्य कर रहे हो तो ब्राह्मण, तो वैष्णव होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी चीजें तो जीवोपार्जन है, बॉडी से है, बॉडी से कनेक्टेड है। वैष्णव आत्मा से कनेक्टेड, तो राम जी को सेंटर रखिए और बाकी जीवोपार्जन जैसी आपकी मानसिक स्थिति होती है उसके अनुसार जीवोपार्जन करना चाहिए। ये नहीं कि मानसिक स्थिति वैश्य की है और ब्राह्मण का काम कर रहे हो तो धंधा करोगे वहां, तो ये गलत है ना। फिर झूठे झूठा झूठ झूठ से आप धन संचय करोगे और अपना जीवन चलाने की कोशिश करोगे, नहीं, गलत है। तो इसलिए इस तरीके से तो ब्राह्मण वैष्णव श्रेष्ठ है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार डिविजन ऑफ लेबर है, इसके अनुसार अपना जीवोपार्जन करते हैं। उनका वो शरीर से है जुड़े हुए और आत्मा से वैष्णविज्म है, इसलिए वैष्णव बनिए और बाकी अपना जीवोपार्जन करिए। सिर्फ परिवार में पैदा होने से कोई ब्राह्मण नहीं होता। धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन अनुज जी का है। आई एम वेरी लेजी एंड आई फील दैट आई हैव वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम। आई वांट टू यूटिलाइज माय टाइम, हाउएवर आई एम अ गवर्नमेंट सर्वेंट एंड आई डिस्चार्ज माय ड्यूटीज परफेक्टली एंड माय सीनियर्स आर सैटिस्फाइड विद माय वर्क। As I am unmarried and after official hours, I have nothing to do except killing my time. Kindly show me correct path. Anuji, thank you for asking this question. I request you to hear the 14 hours Bhagavad Gita lecture series. You can buy it, get it on givegita.com/shop. 14 hours course. Listen to that, you'll get a direction. First, listen to that 14 hours. Or you can basically write to us at contact@givegita.com. contact@givegita.com. And they'll guide you how to get this. Or you can call us up at 9210531053. You'll get the direction of life. You'll not kill time. You will use time. So please don't kill time. Use time. Time kills us. We can't kill time. So use time, so that it stops killing us. Thank you very much for asking the question. Hare Krishna. Next question, Sanidhya Upadhyay ji ka hai. Ram Ram Prabhu ji, aap kehte hain Guru ji ki izzat Govind ki tarah karo. Mere ghar par sab chahte hain main IAS ki taiyari karun. Maine saaf keh diya ki main bhajan nahi chhod sakta. Maine apne Guru ji se bhi yahi kaha. Phir bhi unhone salah di ki beta padhai
सबर सर पीढ़ियों सबर जाएंगी आईएएस बन गए तो सुधर सबर जाएंगे आईएएस बन गए तो आईएएस 12-12 घंटे काम करता है, ऐसे में मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी भक्ति अच्छे से कर पाऊंगा, ऐसे गुरुजी की इज्जत मन से कैसे करूं जो कह रहे हैं कि गोविंद को छोड़ दो तो कोई गलत बात लिख दी वो तो मैं माफ करिएगा राम राम प्रादेशन। आप सानिध्य प्रभु गुरु का काम नहीं है, गुरु का काम राम भक्ति में लगाना है, कृष्ण भक्ति में लगाना है, और वो ऐसा कर रहे हैं तो मैं उन पे कमेंट नहीं करना चाहता, व्यक्तिगत कमेंट किस पे क्या करें, परंतु गुरु का काम है हमें इस चक्कर से निकाले, और आईएएस बनने से कोई जन्म जन्मांतर नहीं तरते, ये पता नहीं किसने कह दिया, पुल कैसे तर जाएंगे आईएएस बनने से, ये कहाँ लिखा है, किस शास्त्र में लिखा है, कमाल के पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या लोग क्या क्या बोलते हैं। अरे भक्त बनने से तरते हैं कुल, भक्ति करने से, लगता है उनको आईएएस बनना चाहते थे वो बन नहीं पाए इसलिए बड़े दुखी हैं। हाँ तो ये सब अब आपको समझना है, वो आपको देखना है कि शास्त्र कहते हैं कि गुरु अगर ऐसा शिक्षा दे छोड़ दो नहीं तो तुम्हें तुम्हें भी डुबो ले जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ये शास्त्रों का कथन है, पद्म पुराण में स्पष्ट लिखा है, इसलिए जो ऐसे ले जाए वो क्या करूं मैं, अब आपकी आपकी सिंसियरिटी गड़बड़ है अभी, तो इसलिए आप सिंसियर होइए और राम भक्ति करिए और साथ में ट्राई करिए, उसमें क्या है, थोड़ी मना कर रहे हैं, परंतु मुख्य कार्य कृष्ण भक्ति राम भक्ति, गौण कार्य बाकी चीजें, ठीक है ना प्रभु जी। यमराज नहीं पूछेगा आईएएस किया कि आईएफएस किया, कि प्राइम मिनिस्टर रहा कि सीएम रहा, वो तो एक ही चीज पूछेगा कि भैया भक्ति करी के नहीं मनुष्य शरीर में लाता, बोले नहीं जी, बोले तो भग जा नरक जा, तो क्या कुल अपने को नहीं तार सके कुल को क्या तारेंगे, कमाल की स्टेटमेंट बोलते हैं, क्या बोले ऐसे लोगों, धन्यवाद हरि बोल। अगला प्रश्न आदर्श मनोरी जी का है, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम, नाउअडेज मेनी डिफरेंट गुरुज व्यास पूजा इज टेकिंग प्लेस, देयर डिसिपल्स समटाइम्स फोर्सफुली से टू ड्रिंक द चरणामृत ऑफ सच गुरु, इज दिस करेक्ट टू हैव चरणामृत ऑफ सच लिविंग गुरुज, आई डोंट थिंक इट्स करेक्ट, प्लीज एनलाइटन अस। आदर्श जी आई वुड नॉट नो व्हाट गुरुज यू आर टॉकिंग अबाउट, whom you are talking about, I got no idea, so such statements I can't answer you also. That basic fact is this, that if this is basically tradition in India, the Brahmins when they come we basically wash their feet, that's nothing wrong in that, but the basic fact is this, that I don't know, I would not be able to comment because you're not specified anything, you've just stated, now if somebody is like Prabhupada, then Prabhupada, you're washing Prabhupada's feet and you're taking his charanamrit, nothing wrong in that. But and a person who's fully Krishna conscious and is following Prabhupada in my sampradaya, if he's following Prabhupada by not claiming to be Diksha Guru, if he's a Vaishnav, then what is wrong if you basically take his charanamrit? There's nothing wrong. That is our tradition. That is our Vedic tradition. So there is nothing wrong in that. But the basic fact is this, that I do not know, again I'm repeating that, I do not know whom you're talking about and in what context you are talking. So I don't want to do any aparad in that sense. But yes, if he is a Prabhupada this follower also, if he is still wants to claim to be a Diksha Guru, then there is a big problem, because that person is not following his Guru. So how can he be Guru? Actually taking his charanamrit will destroy your consciousness instead of improving it. Thank you very much. Hare Krishna. Agla prashna Suryakant Sahu ji ka hai. हरे कृष्णा गुरुजी दंडवत प्रणाम, गुरुजी भक्ति में हम भगवान के सेवक अथवा दास हैं, तो क्या भगवान को प्रार्थना करना दास का कोई अधिकार में आता है, संपूर्ण समर्पण के बाद या फिर भक्त होने के बाद भगवान को कोई इच्छा की प्रार्थना करना का महत्व रहता है क्या, भौतिक दुनिया में मानवता के कल्याण की इच्छा की प्रार्थना भी गलत है क्या, कृपया शंका दूर करें, अगर प्रार्थना करना भी गलत है तो मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, सिर्फ सेवा भावना ही रखूंगा। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम सूर्यकांत जी, सिर्फ एक ही भावना रखनी चाहिए कि भगवान मुझे अपनी प्रेममय भक्तिमय सेवा दे, और कोई इच्छा नहीं करनी चाहिए। और आप जैसे कहा दुनिया में मानवता कल्याण की इच्छा करें तो उससे क्या होगा, कल्याण कैसे होगा दुनिया का, सीधा मांगो ना कि सबको कृष्ण भक्ति प्राप्त हो, कल्याण कैसे होगा, मानवता कल्याण कैसे होगा, मानव ही नहीं है। शास्त्र कहते हैं धर्महीना ते पशु भी समाना,
जो वैष्णव धर्म का पालन नहीं कर रहा, जो बेसिकली भगवान की भक्ति नहीं करता, कृष्ण भक्ति नहीं करता, राम भक्ति नहीं करते, तो उसको हम कैसे मान ले मनुष्य? और जब मनुष्य नहीं मान सकते तो वैसे उनका कल्याण क्या करेंगे? द्विपद पशु का है शास्त्रों में, तो ये सब चीजें हैं। तो प्रभु जी कुछ भी क्यों मांगते हो, भगवान से तो ही मांगो, बाकी वो देखेंगे। उन्होंने कहा है योग क्षेम में वहां में, हमके जो तुम्हारे पास कमी होगी भक्ति करने के लिए उसको मैं पूरी करूंगा, जो तुम्हारी भक्ति के लिए जो तुम्हारे पास चीजें हैं उसकी मैं रक्षा करूंगा। कई बार हमारे कर्म, हम पूरी तरह से भगवान की शरण में जा नहीं पाते हैं और हमारे कर्म इतने गंदे होते हैं कि भगवान उसको रिड्यूस भी करना चाहते हैं, कम भी करना चाहते हैं, फिर भी पूरी तरह हटा नहीं पाते, क्योंकि हम पूरी तरह शरणागत नहीं है। क्योंकि भगवान से पूरी तरह शरणागत होंगे जब तो हम कर पाएंगे। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि भगवान से सिर्फ कृष्ण भक्ति मांगे, प्रार्थना करें परंतु कृष्ण भक्ति ही मांगे सिर्फ। बहुत बहुत धन्यवाद, हरि बोल। अगला प्रश्न कुंदन मौर्य जी का है। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन किया है, जिसमें गीता, भागवत, अन्य छोटे ग्रंथों के साथ मैंने 3 बार चैतन्य चरितामृत का व्याख्याओं के साथ पूरा पूरा अध्ययन किया है। अगर मुझे कुछ सवालों का जवाब मिल जाएगा तो मैं कृष्ण और गोलोक के प्रति अपने मन में आकर्षण पैदा करने में कामयाब हो सकता हूँ। यहाँ पर मैं गोलोक वृंदावन की बात कर रहा हूँ, ना कि पृथ्वी पर वृंदावन की। कृपया मेरी जिज्ञासा को शांत करें और मेरे सवालों का विस्तार से अपना ज्यादा से ज्यादा समय देकर जवाब देकर हमें कृतार्थ करें। पहला, गोलोक में जीवन दिनचर्या कैसी है? दूसरा, जिस तरह जेल से छूटा हुआ व्यक्ति अपने परिवार में वापस लौट आता है, तो क्या जीवात्मा भौतिक ब्रह्मांड से मुक्त होने के बाद गोलोक में पहुंचने पर अपने परिवार के लोगों को प्राप्त करती है? क्या वहां हमारा परिवार है? तीसरा, क्या वहां भी शादी ब्याह, पत्नी बच्चे होते हैं? चौथा, पृथ्वी पर सुख गाय के खुर से बने हुए गड्ढे में समाये हुए जल के समान है और गोलोक वृंदावन में आनंद का सागर है, वहां पर जीव किस तरह आनंदित है, इसकी भी व्याख्या करें। जब से मैंने राधा रानी के भाव को कुछ हद तक समझा है, तब से कृष्ण के अधिक मेरा हृदय राधा रानी के भाव के प्रति आकर्षित है, राधा रानी के प्रति आकर्षित है। प्रभु जी कृपा करके बताएं, क्या मैं गलत दिशा में जा रहा हूं या नहीं? अगर कोई गलती हुई तो क्षमा करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कुंदन जी। देखिए, आपने जो प्रश्न किए हैं, मेरे को लगता है कि आपकी दीक्षा भी नहीं हुई होगी, तो दिशा तो गलत है ही, क्योंकि आपको आपकी दीक्षा हो गई है कि नहीं मुझे मालूम नहीं। आप दीक्षा के बाद गुरु की आज्ञा पालन कर रहे हैं, तो क्योंकि इसके बगैर तो कुछ काम, भजन क्रिया करे बगैर तो अनर्थों का समाप्त नहीं होते, और इन प्रश्नों का उत्तर जो है वो जब तक व्यक्ति पोस्ट ग्रेजुएट में नहीं पहुंचता उसको दिया नहीं जाता। तो इसलिए मैं एक ऐसे फोरम के अंदर आपको ये उत्तर नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा देना गलत होगा, क्योंकि मेरे को अभी पात्रता ही नहीं पता। प्रश्न करने से पात्रता नहीं आती, प्रश्न तो आप कोई भी बच्चा भी कर सकता है कि ब्रेन की सर्जरी कैसे करें, हार्ट की ऑपरेशन कैसे करें, परंतु बता थोड़ी सकते हो बच्चे को कैसे करें। किसी को मार देगा कल, सोते हुए व्यक्ति का पता लगा चक्कू लगा देगा उसके हृदय में, जिंदा को मार देगा। तो इसीलिए पात्रता देखे बगैर, ये हमारे संप्रदाय में बड़ा स्पष्ट बताया गया, जब तक पात्रता नहीं हो तब तक प्रश्नों के उत्तर नहीं दो, क्योंकि वो आदमी को भ्रमित ज्यादा करेंगे, व्यक्ति को भ्रमित ज्यादा करेंगे। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इन मैंने जो आपसे प्रश्न किए हैं, 16 माला जप रहे हैं, 4 नियम पालन कर रहे हैं, आप दीक्षित हैं, और दीक्षा में आप कैसे दीक्षित हैं, क्या है, इसके बारे में लिखिए अपने बारे में। आप हमारे डिवोटी से बात कर सकते हैं 9210531053, इसके कारण कि हमें कुछ डिटेल्स पता लगे। तो इससे आप या तो आपसे ही हमारा अनुरोध है, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि किताब पढ़ने से ज्ञान आता नहीं है, किताब पढ़ने से साथ साथ आपको उसके बारे में सुनना पड़ेगा भक्तों से। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए पहले, तो मैं देखूंगा, जानने की कोशिश करूंगा। तो हमारे को पात्रता को देखे बगैर अगर ज्ञान देते हैं तो उसको उसमें हमारे को दोष लगता है। तो आपके प्रश्न करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमें आप कॉल करिए 9210531053 पे, और हम कोशिश करेंगे आपके जिज्ञासा को हल करने के लिए। धन्यवाद। अगला प्रश्न राहुल टाक जी का है। आप लोग देख लिया करूंगा प्लीज। गायत्री श्रीवास्तव जी का है। हरे कृष्ण गुरु जी, सादर प्रणाम। आपकी वजह से मैं कृष्ण भक्ति में आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कृष्ण भक्ति के लिए दीक्षा जरूरी है? क्या बिना दीक्षा के हमारी भक्ति स्वीकार नहीं होगी? और गीता में कहीं दीक्षा का जिक्र नहीं है, कृपया मार्गदर्शन करें। ये प्रश्न का उत्तर दे चुका। दीपक बौद्ध जी का प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि जब हम हरि की पूजा या आरती करते हैं,
तो सर ढकना चाहिए या नहीं, और परिक्रमा के समय भी? ये सर ढकने का माताओं का है, प्रभु के लिए जरूरी नहीं है। हरे कृष्ण महामंत्र करिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इसमें ढकना सब पुरुषों के लिए कोई महत्व नहीं रखता इतना ज्यादा। धन्यवाद आपको। अगला प्रश्न अभिलाष जी का है। हरे कृष्णा, वॉट टू डू वेन एनीवन हर्ट मी और आई हर्ट एनीवन, प्लीज गाइड मी। Why should one hurt anyone? But if that hurt helps the other person evolve spiritually, then there is no problem. In the same way, getting hurt by someone doing something against you, no, then you, if you are, have got spiritual knowledge, you will not get hurt. And if you are following spiritual knowledge, you will not hurt anyone. So the basic fact is this, this all depends upon you. Shastras say not to expect any respect. The greatest hurt is when one is not respected. So, when you are not expecting respect, then what will hurt you? Not hurt you. So we are not after material things. So if someone hurts also, he will take away some material thing. As such, we are not attached to it. Let him take it away. So the basic way, it doesn't hurt us. So the hurt is also upon you. That's why I say a person can only hurt you as much as you want to get hurt. And hurting others, so if you are not basically helping him spiritually to advance, the soul to advance spiritually, then you are hurting him. You are hurting him. And very severely. So you are, where is your hurt placed? That's very important. Is it on the soul? You're helping the soul to advance? That is the only thing which you can do good for others. Otherwise, you are basically hurting him. You may feel he's feeling very happy by your saying. He's not happy. He's just getting some enjoyment. Nothing else. That's not happiness. Happiness is only connected with the soul. So understand these things. This is spiritual knowledge. This is very important. Thank you very much. Hare Krishna. अगला प्रश्न गुलशन कुमार जी का है। हरे कृष्णा गुरुजी, दर्शन प्रणाम। गुरुजी, मेरी माँ का प्रश्न है कि तुलसी विवाह देवउठनी एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करना चाहिए या नहीं, कृपया बताएं, और क्या नियम है इस दिन के? हरे कृष्णा गुरुजी। देखिए जी, एकादशी पे कभी भी अन्न ग्रहण नहीं किया जाता, बस खत्म, सिंपल। एकादशी पे कभी अन्न ग्रहण नहीं किया जाता किसी भी स्थिति में। धन्यवाद आपका प्रश्न करने। अगला प्रश्न गायत्री श्रीवास्तव जी का है। गुरुजी, आपकी वजह से मेरा जीवन तो बदल गया है। आई ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा इन ऑल एक्टिविटीज एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई कैन फील द डिफरेंस इन माई लाइफ। पर जब मैं अपने आस पास दुखी लोगों को देखती हूँ तो उनसे ये चीज शेयर करना चाहती हूँ जिससे उनकी लाइफ भी चेंज हो सके, बट दे डोंट इवन वॉन्ट टू लिसन अबाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस, बट आई फील सो सो बैड टू सी देम सैड। तो ऐसे लोगों को हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, और क्या गीता के हिसाब से ऐसे लोगों को कृष्ण भगवान की बात भी नहीं करनी चाहिए? मुझे उनकी ऐसी हालत देख के बहुत बुरा लगता है। ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? आई थिंक जस्ट आपने जैसे आपने स्वयं बताया है, इसमें कहा है आपने कि अगर वो आपके वो भगवान के विरुद्ध बोलते हैं, बातें करते हैं, तो बेसिकली ऐसे लोगों को नहीं बोलना चाहिए। उनकी अपनी इंडिपेंडेंस है, हर आत्मा अपने आप में एक इंडिविजुअल है, उसकी फ्रीडम है। गीता के अंदर भगवान ने साफ कहा है, यत इच्छेसि तथा करु, अब तुझे मैं सब कुछ ज्ञान दे दिया, अब तेरी जैसी इच्छा वैसा तू कर। तो मैं और आप क्या जबरदस्ती कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो हम तो वैष्णव परा दुख और दुखी होता है, परंतु इसलिए दुखी है, परंतु हम दुखी में क्या कर सकते हैं? अगर हमें दूसरे दूसरे जीव आत्मा के पास जाना चाहिए जो कि बेसिकली हेल्प लेने को तैयार है। जो हेल्प लेने को तैयार नहीं, उसने टाइम मत वेस्ट करिए। शास्त्र भी कहते हैं नाम अपराध है। जो हेल्प नहीं लेना चाहते, एक बार ट्राई करिए, दो बार ट्राई कर लीजिए, तीन बार बोल रहा हूँ ट्राई कर लीजिए। अगर फिर देख तो नहीं होता तो ऐसों को छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। हरी बोल, प्रसाद खिलाइए, बोलिए मस्त रहो, बस। धन्यवाद आपका। हरी बोल। अगला प्रश्न अक्षय दौलत जी का है। हरे कृष्णा प्रभु जी, आई एम अ हिंदू फ्रॉम मॉरिशियस आइलैंड। आई एम 16 इयर्स ओल्ड। माय क्वेश्चन इज फॉर 4418 फॉर क्वेश्चन आंसर सेशन। प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। सो टुडे आई वांट टू आस्क सम थिंग्स अबाउट वेदास एंड ऑथर ऑफ महाभारत। Who is the author of Mahabharat? Because they say that the Mahabharat has got corrupted. As we know, the original Mahabharat contains 8,000 verses, then it has become 24,000 verses, and now it is 1 lakh verses.
So is it that true that the Mahabharata has got corrupted? I heard it from Dr. Zakir Naik from the Muslim religion. Is that true? Now my Now, Akshay Prabhu Hare Krishna to you. This is bogus. Mahabharata originally had 1 lakh slokas and it has 1 lakh slokas. Why do you want to listen to someone else? I don't understand. That man is making a fool out of everyone. And you believe it. Are believe the parampara. Don't believe anything anyone says. No corruption in Mahabharata. Not at all. It's originally been accepted by all our acharyas. Dr. Nayak is not our acharya. All our acharyas. It's got 1 lakh slokas, it's got 1 lakh slokas. Finished. Next question. As in Sanatana Dharma, we know that the Vedas is the supreme authority. And then come the other book like Mahabharata, Purana, Ramayana, which is Smriti. Vedas and Upanishads are Shruti and the others are Smriti. So now I will ask a question based on the higher authority, the Vedas, in Yajurveda chapter 32. First of all, this is wrong. Shruti, the Purans, the Mahabharata, the Ramayana, all are considered to be Vedas according to the Upanishads. So first of all, remove this. That Vedas are higher or that is higher. No. The Shastras very clearly says that the Vedas, the Puranas, the Itihas, they are all, the Puranas and the Itihas are considered fifth Veda, as considered as the fifth Ved. So remove that first. So I'm not going to answer your question taking this that the Vedas, the higher authority. No, they are all Vedas. That is the fifth Veda. It has been stated in the scriptures. So, first of all, remove this wrong conception. They are the fifth Vedas, the Puranas and the Itihas. Now I'll go ahead. In Yajurveda chapter 32, verse 3, it is stated, Natasya Pratima Asti. That means of that God, there is no image, no idol, no murti, no statue. So, we Hindu, we do idol worship. Is that good or wrong? Nothing, please, for God's sake, don't. You are again quoting people who are not giving us the full, they are taking from reference. Which God are they talking about? What are they talking about? Give me the full shloka of the Vedas. I will not accept this just by saying that of that God. Which that God? Which God are you talking about? That God. Which that God? This is not something new. Archvigraha Upasana is not new to the Vedic system. It is a very integral part of the Vedic system. And they are not statues and idols. The Muslims who claim so, they themselves have that stone in Makkah. They do parikrama of that. Why do they do that? What is that stone? Why they do give importance to that stone? Why do they have in their house, they have the photograph of that particular place? They themselves do not know what they are doing. Same thing as Christians. They accept the cross. Why do they hang the cross on their, in their neck? Why is the cross there in the church? These are all. So, don't listen to anyone. We don't do idol worship. We do archvigraha worship. We are deity worshippers, not idol worshippers. Idol means anything made according to concoctedly. You may concoct some deity, some idol, some image. That is not allowed. We can't make an image. No idol. Natasya Pratima Asti. Now, Pratima does not mean all these things. You cannot imagine a Pratima. That is what it is wanting to state. Now, how did you put a no image, no idol, no murti, no statue? How did you take out this word from Pratima?
I am taking out the meaning of pratima is this, that you will not imagine and concoct some form of the Lord. It is already stated that what form of the Lord is there. So this is what it actually means. Much more. No, it is not. There are two types of philosophies followed in India. One is the atheistic philosophy, another the theistic philosophy. Nastic and astic, where they don't believe in God. And if you don't believe in God, what type of spiritualist are you? The people who did not believe in God, their history is in the Puranas. They were all asuras, rakshasas, very clearly stated. So I don't have to tell you that whom I am talking about. Every person who does not believe in the original personality of God, it is an atheist, he's an asur. Asur don't believe in personality of Godhead. I have explained all this in the 14-hour my lecture. You please can go on to the website givegita.com/shop and you can order it online and you can receive the soft copy. You can download it also. You don't have to get the hard copy. So you can download it from there and you can basically go through that 14 hours in which I have explained all this. So this has to be understood. Papi Sudar Jaga below. So this has to be a. So the basic fact is this, that Bhagavad Gita is time and again of talking of Krishna. And in the end, Krishna says in the 64, 65, 66 shloka. 64, he very clearly says, that now I am giving you the greatest secret of all. Become my devotee. You don't become a devotee of impersonal things. And surrender unto me fully. You don't surrender unto impersonal. You surrender unto personal. That is why these people are not fit to basically talk on Bhagavad Gita who do not believe Krishna is the Supreme Personality of God, because Krishna says in the Bhagavad Gita, only a devotee can understand me. And in the 6th chapter in the end, on the 47th shloka, he says that of all the yogis, the greatest yogi is the devotee. So try to understand Bhagavad Gita from a devotee, not from any Tom, Dick and Harry. He may be called so-called yogi also is less than a devotee. That's what Bhagavad Gita states. Bhagavad Gita is full of only Krishna saying to become a devotee. In the 12th chapter also he says so, very clearly, when asked by Krishna that which worship is greater, the impersonal form or the personal form, and Krishna says the personal form is greatest. But these people, as they are not devotees, they cannot understand Bhagavad Gita, because Bhagavad Gita itself says that only a devotee can understand me. In the 11th chapter, 55th shloka, as well as in the 11th chapter also Krishna says the same thing. And in the 18th chapter also is repeating the same thing, that only a devotee can understand. So my request to you is this, only try to understand Bhagavad Gita from a person who's a theist, who's an astic, who believes in the existence of God, not those people who say that God is impersonal. Please understand this. Thank you very much. Agla prashna Rahul Tiwari Sharma ji ka hai. Guruji ko dhanwad pranam. Guruji, aaj main aapse koi question nahi पूछना चाहता हूं, मैं आपको अपनी कुछ प्रॉब्लम बताना चाहता हूं। एक मिनट, ये बड़े क्वेश्चन कैसे लोगे भाई, तुम छोटे पहले आंसर करा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पुरारी द्विवेदी का है, चरण स्पर्श व्यास पीठ विराजमान पूजनीय प्रभु जी, पहला भगवत गीता चैप्टर 7 श्लोक 13 में लिखा है, भगवान और गुरु जी की कृपा से रोज नियम से माला करता हूँ, भगवत गीता और रामायण का पाठ नियम पूर्वक रोज करता हूँ, रजोगुण तमोगुण से बहुत दूर होता जा रहा हूं और विश्वास है कि सतोगुण से भी जल्दी ही दूर हो जाऊंगा। यह सवाल अब मैं जो पूछने जा रहा हूं, यह मेरे लिए नहीं, उनके लिए है जो रजोगुण और तमोगुण के जाल में बुरी तरह फंसे हुए हैं। ऐसे लोग भक्ति करना तो चाहते हैं, लेकिन आलस ऐसे लोगों को भक्ति करने नहीं देता। आखिर ऐसे लोग कैसे भक्ति मार्ग पर हरे कृष्ण चल पाएंगे, कैसे चल पाएंगे, इनकी भ्रष्ट हुई बुद्धि कैसे श्री राधा कृष्ण के चरणों में लगेगी, कोई उपाय बताएं जिससे ऐसे लोगों का भी भला हो। आज के कलयुग में पुरारी प्रभु, आप रजोगुण तमोगुण में नहीं है ये आपको कैसे मालूम, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि आपने दीक्षा ले रखी है क्या, ये तो गुरु ही बताता है कि आप तमो रजोगुण से हटे हैं। सेल्फ नहीं बता सकता,
ये तो पहला मेरा आपको ये कहना है कि ये क्योंकि ये चीज सिर्फ गुरु बताता है कि आप इन गुणों से परे हुए कि नहीं हुए। दूसरी चीज आप सिर्फ लोगों को बता सकते हैं, कृष्ण के बारे में बता सकते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र बोल सकते हैं करने के लिए, उनको इम्पोर्टेंस बता सकते हैं, महत्वता बता सकते हैं आध्यात्मिक जीवन की, भक्ति की, और कुछ नहीं कर सकते। भगवान ने भी गीता बताई और फिर बोल दिया कि अब तेरी जैसी इच्छा वैसा कर अर्जुन, ठीक है ना जी। तो हम भगवान तो है नहीं, इसीलिए जबरदस्ती तो आप किसी के साथ कर नहीं सकते, परंतु यह है कि आप बता सकते हैं। दूसरी प्रकार है कि आप यदि आप इन तीन गुणों से उठना चाहते हैं तो बगैर गुरु पद आश्रय लिए दीक्षा लिए ये पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ठीक है जी। तो आपसे अनुरोध है कि आप अपना जीवन भी सोचिए। अब आगे चलो, आज का कलयुग में, आज के कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र के अलावा सारी साधनाएं फेल हैं। हरे कृष्ण महामंत्र ही एकमात्र मोक्ष द्वार है, लेकिन आजकल कुछ लोग खुद को गुरु बताकर क्रिया योग और ना जाने क्या क्या दिखाकर लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं। ऐसे गुरु लोगों की बड़ी बड़ी दुकान खुली है प्रभु जी, वे साइंस से क्रिया को कुछ इस तरह जोड़ते हैं कि यंग टीन्स आकर्षित हो जाते हैं। सबसे दुख की बात यह है वे भगवान को टूल समझते हैं। क्रिया पर उनका विश्वास ऐसा है कि भक्ति योग को वे मानते ही नहीं। प्रभु जी आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, सभी भक्तों को सच्चाई बताएं और हो सके तो इस विषय पर एक प्रॉपर रिसर्च करवा कर एक अलग वीडियो यूट्यूब पर रिलीज करें। हरे कृष्ण। सिंपल है प्रभु जी, देखिए आपको सिर्फ पहले सिद्ध करना है कि भगवद गीता ही अध्यात्म की एक विशेष पुस्तक है। जब तक वो ये नहीं मानेंगे तब तक प्रभु जी आप उनका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनके तो अपने अपने बनाए हुए थ्योरीज हैं। वो कहते हैं हमारी थ्योरी की बुक बेस्ट है, तो आप क्या करोगे उसमें। अगर आप उनसे बात करेंगे, सनातन धर्म की बात करेंगे, तो ये सब चीजें चलती रहेंगी। हमारा काम है प्रचार करें, हमारा काम है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये बताने के लिए, हमें आइडिया देने के लिए कि हम कर रहे हैं इसी बात को। परंतु हम पहली बात कहते हैं कि भगवदगीता पे आप भगवदगीता को जानिए, भगवदगीता को मानिए, फिर उसको जानिए, समझिए, जीवन में लगाइए। सनातन धर्म है, नया कैसे आ सकता है, नई चीज कैसे हो सकती है, आत्मा के बारे में क्या चर्चा है, वेदों को कैसे छोड़ के आप कोई नई चीज ले सकते हैं, और वेदों का सार भगवदगीता में है। तो भगवदगीता को आपको जानना पड़ेगा, और भगवदगीता को इसके थ्रू जानना पड़ेगा भक्तों के द्वारा, क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है कि भक्ति मुझे समझ सकते हैं, जान सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, हरे कृष्णा। अगला प्रश्न है पंकज ठाकरे जी का। हरे कृष्णा गुरु जी, मैंने आपकी MP3 ऑडियो एक बार सुनी, तो मैं प्रभुपाद जी की भगवदगीता पढ़ सकता हूँ? हाँ, मैं तो ये कहूंगा हाँ पढ़िए, आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु आप इसको जो MP3 है इसको 2, 4, 5, 6, 8 बार जितनी बार पढ़ते जाएंगे उतना सुनते जाएंगे उतना आपको भगवदगीता प्रभुपाद जी की समझ में आएगी। पढ़नी तो है ही प्रभुपाद जी की, ये सारा मैं लेक्चर देते हैं इसलिए कि आप प्रभुपाद जी की भगवदगीता पढ़ें और समझें, तो आप पढ़ सकते हैं। हाँ जी, राम जी के साथ अगला था हमने हटा दिया है। नेक्स्ट राधिका शरण जी का। मीराबाई के सामने शेर भेजा गया तो मीराबाई ने उसे भगवान मानकर प्रणाम किया तो शेर चला गया, क्या उसी प्रकार संपूर्ण जगत के प्राणियों को भगवान मानकर? नहीं, समझ नहीं प्रभु, कहीं ऐसा भगवान भगवान नहीं माना, वो परमात्मा को अंदर देखते हैं, आत्मा को देखते हैं, परमात्मा को देखते हैं, शेर को भगवान नहीं मानते। ये पता नहीं आपको कौन कौन सिखाते हैं, कहाँ से सीखते हैं। भगवान नहीं है कोई भी, मानव मानव है, भगवान नहीं है, अंदर परमात्मा बैठे हैं आत्मा के साथ, ये ध्यान रखिए बस। अरे मनुष्य योनि है भाई, वो भगवान नहीं है, ये गलती मत कर बैठना। नर नारायण नहीं है, ये भ्रमित मत हुई है इसमें। हाँ, और आगे क्या है? अगर हाँ तो मायावाद का खंडन क्यों किया जाता है? मायावाद भी तो यही कहते हैं कि सब कुछ भ्रम है, और भक्त भी सबको भगवत भाव से देखता है, यानी सब में भगवान देखता है, तो क्या भक्त की दृष्टि में मायावाद नहीं है? कहाँ लिखा है भक्त सबको ऐसे देखता है? कहाँ लिखा है? जबरदस्ती।
है ही नहीं ऐसा। भक्त तो समूह को भगवान का दास देखता है, भगवान थोड़ी देखता है। कहाँ लिखा है? कहीं लिखा है। भगवान से जुड़ा हुआ देखता सबको, भगवान नहीं देखता, भगवान से जुड़े हुए हैं। बहिरंगा शक्ति है हमारा शरीर जो है, बहिरंगा शक्ति भगवान की है, तो भगवान थोड़ी हो गई, ये समझना पड़ेगा आपको। भक्त का कोई ऐसी दृष्टिकोण नहीं। धन्यवाद आपको। अगला प्रश्न भी इन्हीं का है, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या बिना प्राण प्रतिष्ठा किए बिना भी मूर्ति को भगवान मानकर सेवा की जा सकती है? बिना प्राण प्रतिष्ठा के भी मूर्ति से भगवान प्रकट हो सकते हैं? नहीं, प्राण प्रतिष्ठा करवाना अनिवार्य है, शास्त्र यही कहते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण। अगला प्रश्न अर्चित शर्मा जी का है, फ्रॉम माय प्रीवियस क्वेश्चन अबाउट बेनिफिट्स ऑफ हैविंग शिक्षा हैविंग अ शिखा, इफ द हरे कृष्ण महामंत्र रिचुअल कैन नॉट गिव रिजल्ट्स देन व्हाट हैपेंस टू द चैंटिंग डन बिफोर गेटिंग अ शिखा, डज इट हैव द सेम इफेक्ट ऑफ गेटिंग दीक्षा वेयर इन दिस केस द 1% बेनिफिट द चैंटर गेट्स आफ्टर कीपिंग अ शिखा, एवरीवन एल्स हु आर परफॉर्मिंग एनी रिचुअल एंड दैट आर नॉट दैट आर हिंदूस विल दे नॉट गेट एनी बेनिफिट इन दिस लाइफ और नेक्स्ट लाइफ? थैंक यू। Yeah, basically, Shikha is a very important integral part of a devotee. He should have a Shikha. The moment he knows this, he should have a Shikha. Then everything will be, Krishna will forgive that person. There is no problems. But after knowing also, he does not keep a Shikha because of what people will say. Then he is giving more importance to people than to giving to Krishna. So then, he will be among the people, not among the devotees of Krishna. Thank you. Hare Krishna. अगला प्रश्न हिमांशु जी का है, हरे कृष्णा प्रभु जी, आजकल मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, टाइम टेबल मेंटेन नहीं कर पा रहा हूं और खाने और सोने का टाइम भी मेंटेन नहीं हो पा रहा है, आसपास कोई भी नहीं है जो मेरी हेल्प कर सके, इस सिचुएशन में मैं क्या करूं प्रभु जी? आप दिल्ली में, हम गुड़गांव में, आके मिल लीजिए। आप दिल्ली में हैं, गुड़गांव में हम हैं, तो कौन से दूर हैं? ये हमारे डिवोटी से बात करिए, 9210531053 पे बात करिए। हरे कृष्णा। अगला प्रश्न रंजीत श्रीवास्तव जी का है, हरे कृष्णा गुरुजी, दोनों नाम गुरुजी, हम अज्ञानी हैं, अतः हो सकता है किसी प्रश्न के उत्तर समझने की हमारी योग्यता ना हो, परंतु मन में जो शंकाएं हैं वो पूछ रहा हूं। हमने कथाओं में सुना है भगवान कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त करने के बाद शरीर त्याग कर चले गए, भगवान कृष्ण अवतारी हैं, उनके शरीर और आत्मा में कोई भेद नहीं है। हाँ, इसलिए उन्होंने कभी रंजीत श्रीवास्तव जी उन्होंने कभी शरीर नहीं त्याग। हाँ जी, आगे। पितामह भीष्म 12 महाजनों में से एक हैं और महाजनों का आचरण श्रेष्ठ होता है, तो फिर द्रौपदी जी के चीरहरण के समय उन्होंने दुशासन को क्यों नहीं रोका? हाँ, उसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति यहाँ है वो माया में पड़ सकता है, समझ गए? महाजन भी महाजन है, भगवान नहीं है, तो उसको भी, उनको भी देखना पड़ेगा कि उनका आचरण गड़बड़ ना हो। समझ में आया? ये कहीं लिखा हुआ कि एक बार आप बहुत श्रेष्ठ भक्त हो जाओगे तो आप गिर नहीं सकते? नारद जी भी शादी करने के चक्कर में फंस गए थे, तो इसलिए प्रभुपाद जी ने स्पष्ट रूप में कहा है कि हर स्थिति में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये बड़ा क्लियर है। आगे चलिए। क्या प्रत्येक चतुर्युग के बाद भगवान के अवतारों की लीलाओं में उस काल के अनुसार कुछ भेद होता है? सर्वप्रथम जीव को भौतिक जगत में कौन सी योनि प्राप्त होती है? क्या आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक वस्तु चेतन होती है, मिट्टी पत्थर धातु हरे कृष्ण? देखिए, ये आपके प्रश्न जो है ना, एक्चुअली आपको प्रश्न रंजीत जी वो करने चाहिए जिससे कि आपकी भक्ति की उन्नति हो, कि क्या प्रत्येक चतुर्युग के बाद भगवान के अवतारों की लीलाओं में उस काल के अनुसार कुछ भेद होता है, इसको जान के आपको क्या फायदा होगा? हरि अनंता, हरि कथा अनंता, कथा किससे बनती है? लीलाओं से। तो भगवान सेम करना चाहे सेम करेंगे, चेंज करना चाहे चेंज करेंगे, तो इससे हमें कोई लाभ तो हुआ नहीं। ये तो नॉलेज इंफॉर्मेशन गैदरिंग हुई, नॉलेज गैदरिंग भी नहीं हुई, इंफॉर्मेशन। फिर आपने कहा कि सर प्रथम जीव की भौतिक जगत में कौन सी योनि प्राप्त होती है, इससे भी क्या फायदा हुआ? इससे भी कोई लाभ नहीं है, ये भी इंफॉर्मेशन गैदरिंग हुई, कोई फायदा हुआ? आज हमें मनुष्य शरीर प्राप्त है, मनुष्य शरीर में हमें क्या करना चाहिए? भगवत धाम वापस जाने की तैयारी करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए कृष्ण।
भगवान के प्रति प्रेम पैदा करना चाहिए, अपना संबंध वापस स्थापित करना चाहिए, ये सब सोचना चाहिए। अब प्रथम योनि कौन सी प्राप्त हुई, क्या फायदा होगा इसको जान के बताइए आप मुझे, मैं आपको उत्तर दूं तो उससे फायदा क्या हुआ आपको, है जी कोई फायदा नहीं, समझ में आया। तो लोएस्ट योनि में नहीं आते, हाईएस्ट योनि में आते हैं, इतना आपको बता दो कि जब लॉस होता है तो 100 से जीरो नहीं आता, 100 से 99, 98, 97 ऐसे गिरता है। ऐसे वेट जब गिरता है तो एक साथ 10 किलो से 2 किलो नहीं हो जाता, आस्ते आस्ते कम होता है, ठीक है ना। अब वो आस्ते आस्ते तेज भी जा सकता है परंतु हर नंबर पर जाएगा। तो और क्या था आखिरी में, हाँ प्रत्येक वस्तु चेतन होती है। हरे कृष्णा, आगे चलिए। अगला प्रश्न विजय जी का है, हरे कृष्णा गुरु जी, गीता अध्याय 1:9 वर्णित है कि भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, यहाँ भूत शब्द का क्या अभिप्राय है कृपया बताएं। हाँ, भूत एक योनी होती है, उस योनी के अंदर उसके पास स्थूल शरीर नहीं होता, सूक्ष्म शरीर होता है, उसके पास इंद्रियां नहीं होती, जिसके कारण कि वो बेसिकली कुछ खाना चाहे तो मुंह नहीं है खाने के लिए, इच्छा है तो भी मन है, तो इसलिए भूत भी एक योनी है। तो भूत योनी है तो भूत के योनियों में चला जाएगा, ठीक है ना जी, ये अर्थ है इसका। धन्यवाद, आगे। अगला प्रश्न रोहित देवनाथ जी का है, हरे कृष्णा प्रभु, हाउ कैन वी बी अवेयर ऑफ माया एंड नॉट फॉल इन माया। रोहित जी, हरे कृष्णा, माया का अर्थ क्या है, जो नहीं है, और जो भी चीज भगवान कृष्ण से लगी हुई नहीं है वो लगती है परंतु है नहीं। तो अगर आपके मन के अंदर कोई ख्याल आए, कोई कार्य करो जो कि भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ नहीं है तो वो माया है, सिंपल सरल और कुछ नहीं, ठीक है ना जी। धन्यवाद, हरे कृष्णा, आगे चलिए। अगला प्रश्न विपिन गिरी जी का है, हरे कृष्णा, मेरा मन कृष्ण भक्ति में लगता है, स्पिरिचुअल लाइफ में जानना चाहता हूँ, ब्राह्मण हूँ लेकिन माता पिता नहीं चाहते, वो नौकरी करवाना चाहते हैं, क्या करूं, किसकी बात सुनूं। वो दुआ बड़े सिंपल है, भगवान की बात सुनोगे या माता पिता की बात सुनोगे, बताइए। भगवान कृष्ण की बात सुनना ही सही है, माता पिता को भगवान कृष्ण की बात सुनानी चाहिए, अपनी बात क्यों सुनानी चाहिए, क्योंकि वो तो हर जन्म के अंदर नए माता पिता मिलेंगे, कितनों की बात मानता रहूंगा, कृष्ण भगवान की बात एक ही होती है, आप कोई भी जन्म लेंगे भगवद गीता जो थी है और रहेगी, माता पिताओं के तो रोज चेंज होती रहती है चीजें, हर जन्म में नए माता पिता मिलेंगे, नई नई चीजें कराएंगे, क्या करोगे, कहां तक जाओगे, तो भगवान कृष्ण की बात मानो, इसमें कहां से द्वंद्व आ गया, मुझे समझ नहीं आया। भगवद गीता तो एक ही है ना, कोई जन्म ले लो आप, सेम, नो चेंज इन ऑर्डर्स, कोई चेंज नहीं है इनकी आज्ञा, तो हर जन्म में माता पिता अलग, योनि अलग, कभी स्त्री योनि में तो माता पिता कह रहे हैं कि अबे तेरे को तेरी डोली निकलेगी, कभी लड़के बन गए तो तू घोड़ी में बैठेगा, अबे तो एक बार डिसाइड कर लो, डोली में बैठा रहे हो गाड़ी घोड़ी में बैठा रहे हो, कुछ तो डिसाइड करो, तो परंतु भगवान की आज्ञा एक ही है, तुम आत्मा हो शरीर नहीं, तुम्हारा काम है कि तुम वापिस वैकुंठ आओ, अपने घर को छोड़ के घूम रहे हो, शर्म नहीं आती, तो ये कहते हैं, तो ये समझिए इस बात को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हरे कृष्णा। अगला प्रश्न विवेक राम टेके जी का है, कली बीन डीमन डिड तपस्या ऑफ गॉड विष्णु इंस्टेड ऑफ शिवा और ब्रह्मा जी। दिखाया करो प्रश्न, दिखाया करो इसके ऊपर, अच्छा हाँ बोलिए। कली बीन डीमन डिड तपस्या ऑफ गॉड विष्णु इंस्टेड ऑफ शिवा और ब्रह्मा जी, वाई। कली यूसेड कली इज डीमन, जबरदस्ती अपने आप बना लिया। कली इज नॉट डीमन, कली को जो कार्य करने के लिए बोला गया वो कर रहा है, डीमन कहां से हो गया, माया देवी जो है उनको जो कार्य बोला गया वो कर रही है, उनको आप डीमन बोल दोगे, राक्षसनी थोड़ी है वो, तो इस तरीके से डीमन थोड़ी रहता है, क्योंकि अपना कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए कृपा करके ऐसा मत सोचिए, किसी को भी डीमन मत बना दीजिए। धन्यवाद आपका, हरे कृष्णा। और राधे कृष्णा से प्रश्न है, प्रभु जी, आई एम अनेबल टू कंट्रोल माय माइंड एंड लैकिंग इन माय स्टडीज, हाउ टू गेट रिड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। चांट हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, चांट दिस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड भगवद गीता एंड फॉलो इट, योर कंसंट्रेशन विल इंप्रूव, दैट इज द बेस्ट वे, पीपल हैव डन इट, स्टूडेंट्स हैव डन इट एंड देयर कंसंट्रेशन लेवल्स हैव इंप्रूव ट्रेमेंडसली। चांट दिस हरे कृष्ण महामंत्र
and keep in touch. You can call us up at 9210531053 or contact at givegita.com. Thank you. अगला प्रश्न सुनील कुमार तिवारी जी का है, भगवान के भगवत धाम जाने के लिए गुरुजी हमें क्या करना चाहिए? सिंपल, भगवान कृष्ण से प्रेम और उस प्रेम में से उदित हो सेवा, तो भगवान की प्रेम में सेवा करनी चाहिए, सेवा करते आज्ञा का पालन। तो शुरू करिए, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, प्रणाम करिए। और भगवदगीता का 14 घंटे का जो हमारा MP3 है, उसको MP3 DVD है, उसको आप givegita.com/shop पे जाइए और प्राप्त करिए और सुनिए और देखिए, जीवन में आपको पता लग जाएगा भगवत धाम कैसे जाना है। सिंपल, भक्ति करने से और कोई तरीका नहीं है, प्रेम करने से वहां पहुंच जाएंगे आप, जैसे भगवान कहते हैं। परंतु ये सुन लीजिए, मैं कॉल भी कर सकते हैं आप 9210531053 पे या contact@givegita.com या givegita.com/shop पे आप उसको ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगला प्रश्न बेगराज शर्मा जी का है, परिवार में माता पिता पितरों की सेवा व पत्नी सासू जी में माँ भगवती का वास मानकर पूजन करती है, जबरन मुझे भी निरंतर दबाव बनाया जाता है, नित्य नए आडंबर व पूजा अनावश्यक रूप से अपनी डफली अपना राग अलापने जैसा विघटित परिवार है, मेरी स्थिति भक्त प्रहलाद जी समान प्रतीत होती है, यहाँ प्रेत पूजा या भूत विद्या जैसे आचरण किया जा रहा है, पत्नी बच्चे माता पिता व भाई सभी विघटित व अनियंत्रित होकर झगड़ा करते हैं, पत्नी कितनी ही बार बच्चों को लेकर के साल ससुराल ही रही है, सभी प्रकार से विष्णु भक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के विपरीत परिस्थितियों का विरोध गतिविधियों का माहौल है, आपका क्या सुझाव है? बताइए, आप ही बताइए सुझाव क्या होना चाहिए, भेजिए हमें contact@givegita.com। आप क्या सोचते हैं? contact@givegita.com आप बताइए क्या करना चाहिए, फिर हम आपको उत्तर देंगे। कृष्ण भक्ति किसी भी हालत में छोड़नी नहीं चाहिए, कृष्ण भक्ति किसी भी हालत में छोड़नी नहीं चाहिए, ये ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हरे कृष्ण। एक दुबई जी से हीना जी का कमेंट है, वाई सो रूड स्माइल एट लीस्ट, आई थॉट आई विल लर्न समथिंग फ्रॉम लाइव चैट बट आई एम गेटिंग स्केयर्ड इंस्टीड, सम क्वेश्चंस आर सिंपली बीइंग इग्नोर्ड, स्मॉल बॉय दैट 16 ईयर ओल्ड वाज ऑलमोस्ट स्कोल्डेड, वांटेड टू आस्क सम डाउट्स बट आई नेवर सॉ श्रील प्रभुपाद आंसरिंग सो एंग्रीली। यस, टुडे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज पीपल डोंट एग्री, so they have to be scolded, so it is not anger but it is scolding, there is a difference between getting angry and basically scolding, there are so many people who will smile at you but the work, Prabhupada also used to get heavy, he used to call rascal also people, so if you are feeling bad I'm sorry but what can I do, that is the only way out, shastras say very clearly that the guru, the mother father and the king or the authority should basically scold his or her dependents so that they may come onto the right lines. So I am not here to basically agree to what you say. If you are wrong, you are wrong. And I'm also worried because none of us have got time. We think we have got a lot of time. Death is very far off, but that's not a fact. The fact is this, that death is around the corner. So one has to become serious. So that is why sometimes we'll have to be, and I'm very sorry because just smiling and saying, I don't know what do you want? Smiling face, you go on to the airport, you see the air hostesses smiling. I'm sorry, I can't smile when such topics are being discussed, which are so important to life. You don't take it seriously also. This is not a comedy circus also. It's a very serious topic. One has to deal with it seriously. But I respect what you say. That is your outlook.
people like me as I am, because I speak strongly. I've been doing that for the last 36 years. That's the time I've been preaching for the last 36 years. And that's the way I talk to and say things. Because that boy also was basically quoting Dr. Zakir Naik. That's the mistake of the Hindus. That they basically do not want to take up, they hear to anyone and everyone. The Shastras refuse this. Say one should not do it. No case they should do it. This is very much there in Mauritius. I've been to Mauritius and preached there. That was a big problem there. So that is why this was, I was a little heavy on these people. Thank you. Hare Krishna. आगे चलिए. अगला प्रश्न दिव्या उपाध्याय जी का है. हरे कृष्णा प्रभु जी, माय क्वेश्चन इज दैट समटाइम्स आई फील दैट आई एम एक्सट्रीमली क्लोज टू लॉर्ड कृष्णा, बट एट सम अदर टाइम्स आई फील दैट आई एम फार फ्रॉम हिम एंड आई मिस हिम अ लॉट दैट टाइम. व्हाई डज दैट हैपन? दैट इज गुड प्रभु जी, इट इज नाइस, बिकॉज सेपरेशन इंक्रीजेस द बॉन्ड ऑफ लव. इट इंक्रीजेस द बॉन्ड ऑफ लव, सो दैट इज व्हाई, दैट इज नाइस. यू फील इज सेपरेशन, दैट इज गुड, नथिंग रॉन्ग इन दैट. That's what Krishna used to do with the Brajvasis also. Sometimes close, sometimes far. So this helps the relationship to bond more. So nothing wrong in what you are doing and what is happening to you. Thank you very much. Hare Krishna. What can we do so that we feel close to him all the time? You are feeling close when you are separating also. This is called Vipralamba Bhav. This is basically with Gaudiya Vaishnavas. This is our bhav, separation. In separation, you feel more close. So, let it go on as it is going. Don't worry. Thank you. Hare Krishna. अगला प्रश्न रोहित सोरो जी का है. मैं भक्ति भी करना चाहता हूँ और करता भी हूँ, और मैं मटेरियल लाइफ में स्पोर्ट्स में आगे जाना चाहता हूँ, तो कुछ गलत तो नहीं है इसमें? क्योंकि मेरा स्पोर्ट्स फाइटिंग का है, फाइट करना करनी होती है अपोनेंट से. प्राइमरी एक्टिविटी भक्ति, सेकेंडरी एक्टिविटी, बट दिस फिजिकल एक्टिविटी इज एन आई डोंट नो. सम सीनियर डिवोटीज इनिशियली एडवाइज मी दैट कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम फिजिकल थिंग्स, दैट इज बेटर, बिकॉज अदरवाइज यू गेट एंटैंगल्ड इनटू इट. Winning, want to win, want to make the other person lose, and then you don't come out of those moods in winning and losing. So you feel good and bad, which Krishna does not approve of in the Bhagavad Gita also. So avoid these type of. Give time for bhakti, otherwise you'll not be able to give as much as time to bhakti. Not possible. Because you'll have that, this is my opponent. So all these things will come, which Krishna doesn't approve of. Krishna is not approving of thinking someone to be your enemy or your opponent. And when you want to win, make the other person lose. These are not good things to cultivate. So better try to do more of bhakti. That will help you more. Thank you very much. Agla Prashn Kuber Ji ka hai. गुरु जी को कोटि कोटि नमन. जीव नरक में सजा भुगतने के बाद क्या पाप से मुक्त हो जाता है, और अगर हो जाता है तो उससे तो हर बार मनुष्य योनि ही मिलेगी, कृपया शंका का समाधान करें. हरे कृष्ण. नहीं, जब वो नरक जाता है तो उसके जो घोर पाप होते हैं उसकी सजा मिलती है, जो घोर पाप नहीं होते उसकी सजा उसको वहां नहीं प्राप्त होती. इसीलिए वो पापमय जीवन तो उसके साथ रहता ही, उसके पाप उसके छूटते नहीं है, क्योंकि जब तक व्यक्ति कृष्ण भक्ति पूर्ण तरह से नहीं करेगा वो पूर्ण पाठ पर मुक्त नहीं होगा. इसलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान प्रत्यज्ञा मामेकं शरणं व्रज, सारे धर्मों को त्याग दे और मेरी शरण में आ जा तो मैं तुझे सर्व पापे में तेरे सारे पापों को हर लूंगा. तो इसलिए नरक से जाने के बाद सिर्फ जो घोर पाप है वो खत्म होते हैं, बाकी पाप रह जाते हैं. धन्यवाद. हरि बोल. अगला प्रश्न शिवम जी का है. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम गुरु जी. प्लीज मी रिगार्डिंग द फॉलोइंग क्वेश्चन. When you scold us, a feeling of anger arises in my mind regarding you. Please help me because it is a severe offense of mine.
रिगार्डिंग यू प्लीज हेल्प हाउ टू क्योर दिस एंड प्लीज फॉरगिव माय इनफाइनाइट ऑफेंसेस। वेरी सिंपल, द ईगो रिएक्ट्स, डज नॉट वांट टू गेट स्कोल्डेड। The ego reacts. The mind does not want to work as per someone else's dictation. But it's not my dictation. It is dictation of the Lord, which I'm just repeating. So the basic fact is this is nothing but the ego. So you have to train yourself that, hey, come on. What I'm being scolded for is right. I should be scolded more. So that is what Bhakti Siddhanta Saraswati Maharaj said. That you should basically hit your mind with a slipper 100 times in the morning, 100 times in the evening. What does that mean? This is a part of scolding also. And the part of not doing what the mind says. So that is what it is. The 100 baar subah joote maro aur sham ko 100 baar maro. But you don't like to be hit. And the guru is keeps on saying, "Achha, aisa, very good, very nice, very good. Keep." You like that guru. I'm sorry. But what you're understanding or realizing, that is also good. That you're basically understanding that, yes, when you get scolded, you don't like it. So that way you can think that you're what the way your mind is operating. You can understand that the mind is your enemy. Because I'm not scolding you for that you're not fulfilling my desire. I am scolding you for what you are not using the human form of life for what it was given to you. Why are we wasting time? That is why the scolding is there. It is not for some, it is coming out of Rajogun that my desires are not getting fulfilled. No. I have not seen you also. I do not know you also. You're just asking me a question, I'm replying to it as per the Shastras. So how can my desire come in between? Actually, if I desire for my good, I'll keep on smiling only. Keep on joking with you people instead of telling you what the right thing is and what is the wrong thing is. So that is a very important thing which you don't understand. It's a very important aspect. Anji, agla. Can we offer water to Tulsi Maharani at 6 p.m.? Yeah, there is no problems. You can offer. Next question, Rohit Devnath ji ka hai. Hare Krishna Prabhu ji, I am reading Bhagavad Gita as it is daily for the past 8 months after taking my bath and chanting 2 rounds Hare Krishna Mahamantra. I want to know what is the best time to read Bhagavad Gita. Every time is the best time to read Bhagavad Gita. But we can't read every time. So then we can say any time, read Bhagavad Gita and follow Bhagavad Gita. That's very important. Thank you for asking me the question, Hare Krishna. निशिकांत परिया जी का प्रश्न है, हिंदू शब्द का मतलब क्या है, कृपया करके बताएं गुरु जी। हिंदू शब्द का मतलब है जो लोग सिंधु नदी के पूर्वी तरफ रहते थे उन सब लोगों को हिंदू कहा जाता था। तो हिंदू एक ज्योग्राफिकल टर्म है, एक भौगोलिक शब्द है, कोई धर्म का नाम नहीं है, वो जीवनचर्या का नाम भी नहीं, कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक ज्योग्राफिकल टर्म है। जैसे इंडियन कहते हैं ऐसे हिंदू कहते थे जो सिंधु के इस तरफ रहते थे लोग, पूर्वी की तरफ, उन लोगों को हिंदू कहा जाता। तो धर्म का नाम तो सनातन धर्म है या वर्णाश्रम धर्म। धन्यवाद आपका, हरि बोल। हाँ जी, लास्ट है ये, राहुल तिवारी जी का प्रश्न है, कहाँ गुड़गांव में कहाँ से लिख रहे हैं ये, कहाँ से? क्या प्रश्न है? कुछ प्रॉब्लम बताना चाहता हूँ। मैं जब भी किसी नॉन डिवोटी को डिवोटी बनाने की कोशिश करता हूँ तो कुछ लोग तो इस पर विचार करने लगते हैं, लेकिन कुछ लोग इससे इस तरह से रिजेक्ट करते हैं कि जैसे मैंने उन्हें कोई बकवास बता दी हो। तो क्या मैं उन लोगों को समझाना बंद कर दूं? इन लोगों में कुछ मेरे अपने हैं। हाँ, देख बाबा, पहली बात तो हम किसी को डिवोटी बनाते ही नहीं। हम व्यक्ति को सिर्फ ये
भगवान का दिया हुआ, प्रभुपाद का दिया हुआ ज्ञान उन तक पहुंचाते हैं, वो उस ज्ञान को एक्सेप्ट करें या ना करें ही उनके ऊपर है, उसको आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो बेसिक फैक्ट ये, जो इसको नहीं लेते हैं उनको आप ज्यादा मत करिए, क्योंकि वो अपराध करेंगे, चाहे वो अपने कौन होते हैं, अपने तो हमारे सारे हैं, आप तो अभी भी शरीर के प्लेटफॉर्म पे, तो आप दूसरे को कैसे भक्त बना सकते हो? मेरा और पराया अभी भी इस चक्कर में पड़े हो, मेरे अपने तेरे, ये सब चक्कर है। तो अभी अभी प्रचार कम करके हरे कृष्ण महामंत्र ज्यादा करो, प्रचार मत करो, हरे कृष्ण महामंत्र को साधो पहले, 16 माला सही तरह करो। प्रचार करने के चक्कर में लोग जाते हैं, ये भी अहंकार बढ़ाने के तरीके हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि हरे कृष्ण महामंत्र सही तरह करो, 16 माला पहले, प्रचार बंद करो अभी, क्योंकि अभी तक आपके मन में ये है कि मैंने अपने, तो अपने पराये नहीं होते भक्ति के अंदर, भक्ति की स्थिति के ऊपर सब अपने हैं, पराया कोई नहीं है। भगवान गीता में कहते हैं सब मेरे परिवार के हैं, हम बीज प्रदा पिता, मैं ही बीज देने वाला पिता हूँ। दूसरा प्रश्न, क्योंकि मैं इस ज्ञान से पहले परिचित नहीं था, लेकिन अब होने की वजह से मैं जीवन की हर छोटी और बड़ी गतिविधियों को तत्काल ही अध्यात्म से जोड़ने लग जाता हूँ, इससे मैं भौतिक जीवन अच्छे से नहीं जी पा रहा हूँ। बहुत अच्छा है, अगर बीमारी खत्म हो गई, आप कहते हो अरे यार बीमारी नहीं है, मजा नहीं आ रहा, तो ये तो सोच ही गलत है। भौतिक जीवन तो जीना ही नहीं चाहिए, भौतिक जीवन तो खत्म हो जाना चाहिए, तो आप तो बीमारी के जीवन को सोच रहे हो कि अरे मिस कर रहा हूं, तो गलत है, ये सोच ही गलत है। तो इसलिए क्या सोचिए, अच्छा है तो बहुत बढ़िया हो रहा है, मेरी बीमारी खत्म हो रही है, तो आप तो डर रहे हैं, आगे चलिए। गुरुजी, क्योंकि आज की दुनिया बहुत बदल गई है, अगर वो भगवान का दो घड़ी अच्छे से नाम भी ले ले, वो भी बहुत है उन लोगों के लिए, क्योंकि आज लगभग सारी आत्माएं स्वतंत्र रूप से भोग करना चाहती हैं, और कोई भी ऐसे स्पिरिचुअल बात जो उनकी स्वतंत्रता के बीच में आती है, वो सारी आत्माएं विरोध करना प्रारंभ कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, वॉटर पार्क घूमने जाना, आउट ऑफ इंडिया घूमने जाना, पिज्जा बर्गर खाना, मूवीज देखना, लॉन्ग ड्राइव पे जाना एक्सेट्रा, तो क्या जीवन के ये रस लेना सही है या गलत? ये रस है ही नहीं, इसमें जहर को पी रहे हैं और बोले रस है, अब बताइए मैं क्या करूं, तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता है जी। करेले का जूस पी रहे हो और बोलते हो क्या मीठा है, तो मतलब जीवा में गड़बड़ है, और मीठा खा रहे हो तो कहते हो कड़वा है, तो बीमारी है कि नहीं, बीमारी है। परंतु उसका मतलब ये थोड़ी, आज की दुनिया बहुत बदल गई है, इसलिए अगर वे भगवान को दो घड़ी भी याद कर ले तो काम चल जाएगा, नहीं कहीं लिखा ये, सॉरी। बिजनेस फेल हो रहा है किसी का, और उस बिजनेस में आप काम करते हैं, उस कंपनी में कंपनी फेल हो रही है, तो चलेगा कि कंपनी फेल हो रही है इसलिए आपको तनख्वाह नहीं देंगे हम 2-4 महीने, चलेगा आपको? नहीं, तनख्वाह तो आप पूरी दीजिए, हमें क्या मतलब आप फेल हो रहे हैं। इसी तरीके से ये कोई चेंज नहीं हो सकता कि दो घड़ी से काम चल जाएगा, दो घड़ी से कोई काम नहीं चलेगा, आगे चलिए। ऐसा नहीं है कि वो लोग भगवान कृष्ण को मानते नहीं हैं, बिल्कुल मानते हैं, बट अपने तरीके से, ना कि आपके तरीके से, जिस तरह से आप भक्ति करने को बोलते हैं। क्योंकि मैं इस ज्ञान को फॉलो करने लगा हूं, तो मैं उन लोगों के साथ उनकी धारा में बह नहीं पा रहा हूं, जबकि कभी उन लोगों के साथ मेरा बहुत अच्छा जुड़ाव था, बट अब इस ज्ञान की वजह से मैं उनके साथ नहीं चल पा रहा हूँ। अब तो मैं उनसे भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए उनसे लड़ने लगा हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे खुद को सही साबित करना है, इसलिए कि उनका भी कल्याण हो जाए। मुझे समझ नहीं आया आपने क्या प्रश्न किया, बड़ा कंफ्यूज प्रश्न है ये, सब प्रश्न तो है ही नहीं। अपने तरीके से भक्ति होती नहीं, और मैं कोई तरीका बता नहीं रहा, तरीका तो शास्त्र बता रहे हैं, मैं तो सिर्फ रिपीट कर रहा हूं, मैं अपना तरीका बताता थोड़ी कोई, मेरे तरीके से क्या होता है, मेरे तरीके से कोई भक्ति होती है, भक्ति तो सनातन है, उसका तरीका भी सनातन है। मैं अगर कोई अपना तरीका बताऊं तो गलत हो जाएगा, जैसे मैं अगर आपको हाँ कह देता हाँ दो घड़ी याद करा लो, तो मेरा तरीका होता, फेल हो जाता। इसलिए भगवान तो कहते हैं सततम सर्वकालेश, ये सब शब्दों का इस्तेमाल किया, आगे चलिए। वो सारे लोग मुझे बोलने लगे हैं कि मैं बहुत चेंज हो गया हूँ, कभी वो लोग मुझे सब कुछ छोड़ने के लिए बोलते हैं कि मैं जॉब क्यों कर रहा हूँ,
छोड़ दे सब कुछ, भगवा पहन ले, संन्यास ले ले, जंगल में चला जा। तू काम चोर हो गया है, तू जिम्मेदार नहीं लेना चाहता, जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। उन लोगों के ऐसे कमेंट आ रहे हैं गुरु जी। बड़े अच्छे कमेंट है, वो सही कह रहे हैं, भरवा पहनो जंगल जाओ। तुम फिर भी उनकी बात नहीं सुनते, बात माननी चाहिए ना उनकी, वो तो सही बात कर रहे हैं। जो सही बात कर रहे उसको तो मान लो। अब वो बोलते हैं हमारे साथ, तुम हमारे जैसा साथ नहीं चल रहे, ऐसे आपने लिखा पीछे के हम उनके साथ नहीं चल पाते, और क्या लंगड़ों की दौड़ में हम कैसे दौड़ेंगे, हम तेज भाग जाएंगे, कहेंगे अबे तू भी लंगड़े की तरह दौड़, क्यों दौड़े भाई। हाँ जी, अब लंगड़ों की दौड़ में तो भाग नहीं रहे, हमारे तो दोनों पैर सही है, पहले लंगड़े हुआ करते थे तो तुम्हारे साथ लकड़ी लेके चला करते थे, अब हम लकड़ी हमारी हट गई, हम ठीक हो गए, हम भागेंगे, हम थोड़ी अभी लकड़ी टांग खेलेंगे तुम्हारे साथ। तो इसीलिए वो सही कहा, उन्होंने बात कही कि संन्यास ले लो, जंगल चले जाओ। अब जब वो कहे तो बोलो हाँ आपने तो कहा था, तो आप नहीं करना चाहते, आप लंगड़ी टांग ही खेलना चाहते, हम क्या करें, आगे चलिए। गुरुदेव हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन इस कलयुग में भौतिक और आध्यात्मिक को साथ साथ लेकर चलना बहुत मुश्किल है। या तो हम कम्प्लीटली स्पिरिचुअल हो जाएं, क्योंकि भौतिक संसार की 95% गतिविधियां स्पिरिचुअलिटी से हमेशा टकराती रहती है। आप हमेशा ही ऐसे लोगों से टकराते रहते हैं जो केवल भौतिक रूप से अपना भोग करना चाहते हैं, और ये इसलिए ही होता है क्योंकि वो लोग अपना संपूर्ण जीवन उसी तरह से जीते आए हैं। इस भक्ति के सिद्धांत की वजह से अपने आप को मूर्ख कैसे समझ ले, या जीवन भर जो उन्होंने कठिन या चोरी किया हुआ पैसा कमाया है उसको गलत कैसे समझ ले। समझ नहीं आया, फिर बहुत कंफ्यूज है। उन लोगों को क्यों देख रहे हो, अपने को देखो भाई, है देखो कितने आराम से पड़ा है, हिलता डुलता भी नहीं है, क्या आराम से सो रहा है, अभी लाश है, अब उसको थोड़ी फॉलो करोगे तुम, है देखिए उसके बारे में सोचते हो, उसको उसे तो कहा गया देख के नहाना चाहिए, क्या करना चाहिए, देख के नहाना चाहिए, तो ऐसे लोगों को देख के नहाना चाहिए, तो बोलोगे ऐसे में तो हम पानी से निकल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ऐसे लोग नजर आते हैं, तो ऐसे लोगों में दूर रहो, और क्या है, और कुछ नहीं है आगे। गुरु जी आप ही कुछ समाधान बताएं, क्योंकि धीरे धीरे भक्ति का लेवल और बढ़ेगा तो मैं समाज से पूरी तरह अलग हो जाऊंगा, और समाज की जो आज विचारधारा है उसके बीच में नहीं रह पाऊंगा। आशा है आपको मेरी परेशानी समझ आ गई होगी। भगवान कृष्ण की जय, हरि बोल। अरे मैं तो आशीर्वाद देता हूँ ऐसा हो। अरे कमाल है, अगर आप अज्ञानी हो जाओगे तो अज्ञानियों से दूर हो ही जाओगे। अब आपने PhD कर ली किस सब्जेक्ट में, तो आप थोड़ी उनके साथ घूमोगे जिन्होंने 8वीं भी नहीं पास कर पाए, जो 10 साल घूमोगे उनके साथ नहीं, आप स्कॉलर आदमी बन गए हो। तो इसीलिए मैं आपको कैसे आशीर्वाद दे दूं कि तो आप पढ़ाई में फेलियर लोगों के साथ घूमो। तो इसी तरीके से आपने जो कहा कि कलयुग में ऐसा है, हर युग में ऐसा है, ये भौतिक जगत है, ठीक है ना जी। युग को दोष मत दो, किसी को दोष मत दो, अपने आप को दोष दो, सुधर जाओगे। हम दूसरों को दोष देते रहते हैं और खुद को सुधारते नहीं, इसलिए आप खुद को सुधारिए, दूसरों को दोष देना बंद करिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। अगला प्रश्न मुन्नी मौर्या जी का है। हरे कृष्णा गुरु जी, मैं सिर्फ परमात्मा को पाना चाहती हूँ, वो मुझे देख रहे हैं फिर भी कोई ऐसा कार्य हो जाता है जो ईश्वर को पसंद नहीं, ऐसा क्यों हो जाता है, कृपया बताएं। भगवद गीता में अर्जुन से ये प्रश्न किया था, उनको ये भगवान ने जवाब दिया था कि हमारे रजोगुण से उत्पन्न इच्छाएं, हम जो इच्छाएं करते हैं, जब भी इच्छाओं को चेक करो भगवदगीता के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, ये इच्छाएं भगवान को पसंद आएंगी कि नहीं आएंगी, जो इच्छा उदित हो रही है, क्योंकि फिर वो कार्यरत हो जाती है, उसको इच्छा की स्टेज में मानना पड़ेगा। तो इसीलिए भगवान की जब चर्चा ज्यादा करेंगे, पढ़ेंगे उनके बारे में, उनका नाम लेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो उससे क्या होगा, आपको दूसरी चीजों के बारे में पता नहीं रहेगा, तो आपको इच्छा कैसे उठेगी उस चीज के बारे में, जो चीज आपने कभी देखी नहीं, कोई जानते नहीं हो, या पहले जानते थे फिर आपने कभी उसके बारे में टच में नहीं रहे तो भूल जाते हो ना, मित्रों तक को भूल जाता है आदमी 10 साल बाद, अरे अच्छा आप कौन थे भाई,
अरे वो था हमारे साथ हुआ करते थे, ओ हो अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसी तरीके से उन चीजों को, ख्यालों को हटा दो तो उससे क्या होगा, भगवान के ख्याल रहेंगे, कोई ना कोई ख्याल तो रहेगा। तो इसके कारण क्या आएंगे, वो इच्छा तो जब आएगी, जब उस वस्तु के बारे जानते हो, उस वस्तु को ही भूल जाओ तो इच्छाएं भी खत्म हो जाएंगी। भगवान की इच्छा पैदा करो भगवान के लिए। और आपसे अनुरोध है कि आप वो 14 घंटे की MP3 मंगवा के सुनिए, हमारे 9210531053 पे कॉल करिए, या contact@givegeeta.com पे करिए, या आप हमें givegeeta.com/shop पे भी जाके खरीद सकते हैं। उनको लीजिए और सुनिए, देखिए आपका चेंज होता है कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। सिद्धार्थ व्यास जी का प्रश्न है, जय श्री कृष्ण गुरु जी, भगवत भक्ति के लिए शरीर स्वस्थ होना जरूरी है, इसके लिए थोड़ा स्वार्थ होना पड़ेगा, तो भक्ति के लिए स्वार्थी होना पाप तो नहीं है गुरु जी? क्या मतलब समझ नहीं आया? स्वस्थ तो रखना, स्वस्थ तो अपने आप को रखना ही पड़ेगा, और जो स्वस्थ के लिए आप दे दो ज्यादा टाइम, भक्ति के लिए दियो कम, तो ये तो गड़बड़ हो गई ना फिर प्रभु जी। तो स्वस्थ तो रखना पड़ेगा, तो आहार शुद्धि करिए, उससे स्वस्थ आएगा। तो स्वस्थ में होना जरूरी है, यही प्रश्न है ना। हाँ, स्वास्थ्य जरूरी है, परंतु ये नहीं कि स्वास्थ्य के चक्कर में लग गए, सिर्फ भगवान को तो भूल गए, स्वास्थ्य ही रह गया। स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य एक मींस है, एक तरीका है, और क्या कहते हैं मींस को, माध्यम। उसको लक्ष्य मत बना देना, प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ जी, कह रहे इसके लिए थोड़ा स्वार्थी होना पड़ेगा। स्वार्थी क्यों होना पड़ेगा, भक्ति है, भक्ति के लिए कर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं कि स्वस्थ रहेगा, स्वास्थ्य स्वस्थ, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो भक्ति करूंगा, परंतु स्वास्थ्य के चक्कर में लग गया तो क्या है, इसमें स्वार्थी होना कैसे आया, मुझे समझ नहीं आया। स्वागत तो हम जानते हैं, कृष्ण भक्ति है। धन्यवाद आपका, हरि बोल। रोहित देवनाथ जी का कमेंट है, हरे कृष्णा प्रभु, आई एम 17 ईयर्स ओल्ड बॉय फ्रॉम गुवाहाटी असम, प्रभु फॉर योर ग्रेट स्पीच इन योर वीडियो आई बिकेम प्योर वेजिटेरियन फॉर द लास्ट 100 days एंड स्टार्टेड चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू प्रभु जी, आई जस्ट वॉन्ट टू बेग दैट आई वॉन्ट टू बी योर डिसाइपल। थैंक यू वेरी मच फॉर बेसिकली डूइंग वॉट आई एम सेइंग, आई एम नॉट सेइंग वॉट आई एम सेइंग, इट इज एक्चुअली माई गुरु महाराज श्री प्रभुपाद सेड एंड दैट इज वॉट शास्त्रा सेड, so I'm just repeating what he said, so thank you very much for following this and learn, understand Bhagavad Gita. You can go onto the YouTube, there are more than 600 lectures on the YouTube, you can watch them. Thank you very much. Hare Krishna. No announcement for liking and sharing. मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि कृपा करके फेसबुक को और YouTube को लाइक और शेयर करिए, जिससे कि ज्यादा ज्यादा अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। और संडे को भी हमारा लेक्चर होता है 10:30 से 1 बजे तक, वो भी लाइव होता है फेसबुक और YouTube पे, तो आप उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। जैसे इस बार 18वें अध्याय पे चर्चा होगी, तो आपसे अनुरोध है कि आप उसको ज्वाइन करिएगा और दूसरों को भी ये शेयर करेंगे, लाइक करेंगे तो उन तक भी ये मैसेज पहुंचेगा कि कब का प्रोग्राम होते हैं। इतना तो आप कर सकते हैं, भगवान कहते हैं गीता के अंदर जो मेरा प्रचार करता है मुझे सबसे प्रिय है, तो ये प्रचार का ही एक, आप भी प्रचार में जुड़िए, इतना करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका नित्य जप करिए। धन्यवाद, हरे कृष्ण, जय गौर हरे।